नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक स्वच्छता अभियान में भाग लिया, जहां उन्होंने युवाओं के साथ मिलकर सफाई की पहल को बढ़ावा दिया। यह अभियान न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए था, बल्कि देश भर के नागरिकों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण कदम भी था। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर व्यक्ति को स्वच्छता की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना है, खासकर युवाओं को जो देश का भविष्य है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 2019 तक एक स्वच्छ और स्वच्छ भारत का निर्माण करना था। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इस अभियान का लक्ष्य न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना था। इस मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच मुक्त ODF अभियान और कचरे के सही प्रबंधन पर जोर दिया गया है। युवाओं की भूमिका इस बार के स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से युवाओं को शामिल किया। उनका मानना है कि युवा वर्ग में परिवर्तन की अपार शक्ति होती है। देखिए, बेटी का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोला जा सकता है। साल में उस बेटी के माँ बाप 1,000 रुपए बैंक में डालते हैं। साल का 1,000 मतलब महीने का 80-90 रुपए। मान लीजिए 18 साल के बाद उसको कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान के दौरान युवाओं से बात की और उन्हें स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए कहा कि सिर्फ सरकार की योजनाओं से ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी से ही भारत को स्वच्छ बनाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल सड़कों और गलियों को साफ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने घरों, समुदायों और कार्यस्थलों को स्वच्छ रखें। युवाओं को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने गांव, मोहल्ले और शहर को स्वच्छ बनाने में सकारात्मक प्रभाव। इस तरह के स्वच्छता अभियानों का बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों की मानसिकता को बदला है और अब सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस अभियान के जरिए न केवल शहरी क्षेत्रों में सुधार हुआ है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता को लेकर काफी जागरूकता आई है। साफ सफाई के साथ साथ कचरे के प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त भारत और पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने और कचरे के उचित प्रबंधन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री का संदेश, प्रधानमंत्री, अगर प्रत्येक नागरिक इसमें भाग लेता है और अपनी जिम्मेदारी समझता है तो भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का सपना जल्द ही साकार होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुंदर भारत छोड़ने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस अभियान में युवाओं का उत्साह और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने इस बात को साबित कर दिया। अंत में, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।